श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र का केंद्र बिंदु कहे जाने वाला श्री नैना देवी जी नगर भी सरकार और नेताओं की अनदेखी का शिकार हो रहा है। श्री नैना देवी जी नगर एकमात्र आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के सहारे पिछले कई वर्षों से चल रहा है। गौरतलब यह है कि इस आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में भी पिछले लगभग 3 महीने से डॉक्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है। यह डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट के सहारे ही पिछले 3 महीने से चल रही है। रोगियों को भी डॉक्टर ना होने की वजह से मायूस होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है और बाहर जाकर पैसे खर्च कर दवाई लेनी पड़ रही है। आपात स्थिति में यही एक मंदिर के नज़दीक हॉस्पिटल है, जबकि CSC कम से कम 5 किलोमीटर दूर पड़ती है। अगर किसी भी श्रद्धालुओं को कुछ हो जाए तो उसे तुरंत इस हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ना होने के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं अनिल कुमार, अरविंद फार्मासिस्ट, श्री नैन देवी आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र नैन देवी में कर रहता हूँ और पिछले 3 महीने से यहाँ पर डॉक्टर उपस्थित नहीं है, मतलब खाली पोस्ट है। और जो भी पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, तो उनको मैं ही हैंडल करता हूँ। हैंडल करने लायक हो तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो CSC को रेफर कर देता हूँ। तो मैं हॉस्पिटल की तरफ आया तो मैंने मेडिसिन के बारे में पूछा, तो स्टाफ वालों ने बताया कि 3 महीने से कोई डॉक्टर है नहीं। तो एमरजेंसी कोई हो तो इंसान कहाँ जाए, उसके लिए जल्दी से जल्दी सरकार कोई कदम उठाए। यहाँ रोज़ हजारों तीर्थयात्री आते हैं, अगर कोई अनहोनी घटना हो जाए उसके लिए कोई जिम्मेवार है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय श्री नैना देवी जी में गत 3 महीनों से चिकित्सक की जो पद है वो खाली पड़ा है, जिसके कारण स्थानीय जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन से हमारी ये पुनः और बार बार विनती है कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि नैना देवी में एकमात्र यही एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जो लोकल पब्लिक को सपोर्ट करता है या फिर हमारे लिए नज़दीक है। ना केवल स्थानीय जनता के लिए अपितु बाहर से श्रद्धालुओं के लिए भी यही एकमात्र यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ की सुविधाएँ सब हम ले पाते हैं। अभी हाल फिलहाल 2 हफ्तों में यहाँ पे 2 यात्रियों को सांस की परेशानी के कारण नीचे ग्वांडल के लिए रेफ़र होना पड़ा, बिकॉज़ यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। और अगर ग्वांडल की बात की जाए तो बाय रोड वो 3 या 4 किलोमीटर है और पैदल तो शायद 3 किलोमीटर बनता है स्थानीय जनता के लिए। तो प्रशासन की इस बेरुखी से तो स्थानीय जनता बहुत रुष्ट है और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस और विशेष ध्यान दे और यहाँ पे चिकित्सक पद को शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए। धन्यवाद। स्थानीय जनता परेशान है, 3 महीने हो गए हैं, डॉक्टर है नहीं इधर। और मेरी विनती है मंदिर ट्रस्ट से कि डॉक्टर प्रोवाइड करे, यहाँ कभी भी एमरजेंसी आती है, लोकल को तो आती है, यात्री श्रद्धालु आते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है बिना डॉक्टर के। यहाँ एक फार्मासिस्ट है बैठा हुआ, बस उससे ही चल रही है डिस्पेंसरी लगभग 3 महीने से।